हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है बहुत ही हेक्टिक डे होने वाला है, क्योंकि आज हमारा एक लुक है कोरियन पॉप स्टार का। उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे शो में, गुड नाइट में, जो सोनी सब पे आता है। तो आज बहुत हेक्टिक डे होने वाला है। ऑलरेडी क्या टाइम हो रहा है? 7:15 राइट नाउ। एंड मुझे 8 बजे सेट पे पहुंचना है और मैं हमेशा की तरह लेट हो गई हूँ। तो मैं फटाफट आपको लेके चलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आज मेरा पूरा दिन जो है इतनी मेहनत वाला कैसे जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंटली लिया खाना, कांपते 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 नाक में मत घुसा देना। नहीं, मम्मी बोला, मनीष बोला। जल रहा है तुम इतना पलक इतना ऐसे कर आराम से लगा के एक बार बंद कर दो। जब आइस में बैठा ना उस दिन लगाया था अच्छे से। तो जलन क्यों लग रही है मुझे? सर्फ एक्सेल कुणाल मुझे मार मार के मेकअप करता है मेरा। अभी सोच रहा हूँ ग्रीन चटनी है ना, उससे हाथ दो। ग्रीन चटनी लहसुन वसन लगा के लेंस। बात तो सही है। कहाँ देखो मुझे बता। तुम पकड़ो खाली, आई पकड़ो। एक आंख का हो गया है। इसको एडजस्ट होने टाइम लगता है क्या? हाँ, निकालने के टाइम। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? तुमने अच्छे से हाथ नहीं धोए। नहीं, वो जलता ही है। खाना खा के सीधा से टिश्यू पेपर से पोंछ के तो नहीं लगाया? और वैसे भी आज तो चिकन मिकन खा के मसालेदार, आज तो मसालेदार चिकन ही आया था। खत्म। एक सेकंड, थोड़ा सा सेटिंग में होगा। ऐसे उसको ऐसे से करोगे तो नहीं होगा। उसको रहने दो थोड़ा देर। हाँ, रहने दो। अरे यार, क्लोज मत बोल, नीचे देखने में ये रख दिया इसने। आराम से अब नीचे देखो, बस नीचे देखो। अब आग बंद करो। हो गया? नीचे देखो, साइड में देखो। कौन सा साइड? राइट, मेरे साइड। ये हो गया फाइनली। मेरा मेकअप हो गया है और सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी है, जो मैं लगाऊंगी जब वो मुझे बुलाएंगे। और विग लगाना है, वो भी मैं थोड़ा लेट ही लगाऊंगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मैंने क्या लगाया है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि मैं बच्ची हूँ और मैं खाना खाती हूँ तो सारी चीज़ें गिरा देती हूँ, इसलिए। जोकिंग नहीं। ये वाइट कलर का इसका बॉर्डर है और मैंने मेकअप लगाया है तो खराब ना हो जाए, इसलिए टिश्यू पेपर लगाया है। मैं इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं। और मैंने लिप प्लमर लगाया है, जिस वजह से मेरे थोड़ी बड़े बड़े होंठ लगेंगे, क्योंकि मुझे बड़े बड़े होंठ बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी देर में लगेंगे थोड़े से बड़े। और लगाती थी और बड़े दिखे। फिर ऐसी चोच तो नहीं लगेगी? घने सुनहरे बालों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हमने अंदर क्यों डाला है और ऊपर क्यों नहीं डाला है? क्योंकि अगर ये ऊपर डाल दिया ना रैप करके तो सर एकदम पाव वाला ऐसा लगेगा। इसका मतलब ये होता है क्या लगेगा? पाव वाला सर। पाव कितना बड़ा दिख रहा था। क्या मेरे बहुत बड़े लग रहे हैं? ये पिंटू का फोन ऐसा वाइब्रेट होता है कि दुबई तक सुनाई देगा कि पिंटू का फोन आ रहा है। लग रहे हैं थोड़े थोड़े बड़े हो यार। मैं कोरियन खास लग रही हूँ क्या? वैसे तो मैं हंसती हो ना तो मेरी आंखें बंद हो जाती है। ये देखो, ठीक है, आंखें बंद अच्छी लग रही है, लेंस अच्छे लग रहे हैं, है ना? yes. इसमें रोना भी है तो आप ग्लिस ले सकते हो जब आप लेंस लगा सकते हो। पिंटू को वापस फोन आ रहा है। अभी तो लंदन में पता चल गया होगा। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, उसको पता चल गया तुम्हारा फोन आ रहा है ना? हंसी नहीं आई इसको? नहीं, अब मैं बाहर जाऊंगी ना तो सबके रिएक्शंस देखेंगे, वो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। हाँ, मैं बढ़िया कैसी लगते हैं? जान बनी हुई है। वो उस दिन जो लड़की को देखा था वो लड़की है, वही लड़की है। वो गाना बजेगा। ऐसा मुझे भी डायलॉग बोलना है और इसमें जेन्युइनली कोरियन लिखी भी है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे बोलना है, क्या करना है। और इबाची का वो यही बनानी चाहिए। बहुत ही सुरीला गाना गाऊंगी और बस खत्म। बाहर जगह जगह मेरे पोस्टर लगे हैं और ये सारी भीड़ जो है ये सारी सिर्फ और सिर्फ मेरा गाना सुनने के लिए। एक बार पैन करके दिखाओ, ये देखो माय रियल ऑडियंस। आप लोग प्लीज़ पागल मत हो जाना मेरा गाना सुन के, ठीक है? अपने दिल थाम के बैठना। हाँ तो वो पहनाने में इधर तक थोड़ा लूजर अभी वाला भी लूजर है। रोलिंग एक्शन। अच्छा ठीक है, काम कर। आओ हेड से बंदा। हां उस बाप रे फुल डेथ में निकल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, और हेड से बंदा। हां हेड से बंदा सुन तू। हाँ हो गया ठीक हो गया। अरे हम अंदर आए। ओके ये सी वाला सेट बनाऊंगा मैं से कोका। अरे यार दीदा से पूरा गुस्सा होता है ना, पागल हो जैसे कुछ पागल उसको बाल बना रहे, इधर हो नहीं रहा है। खुल के एक्शन। ये बता रहा है कि इसको कितना मजा आया था। खेला पाए आपका रचना मैम का सीन चल रहा था। रचना मैम हाँ। अभी पुष्पा जी तो पूरा ऐसे कर रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अरे कोई गाना गा के दिखाओ, कैसे गा रहे थे? गाना गा के दिखाओ। ए पिंग ऑन चेंग। ये अभी मैं सोचूं पता कैसे कहूँ कि केमन आशीष आमी भालो। चुप बंगाली। हाँ? अगर वेग उतर गई तो वेग अरे उतारनी है अभी। कुछ तो जैसे करेंगे ना उनके हाथ में आ जाएगी। अभी देखो ये बावले हो जाएंगे मेरा गाना सुन के। वो आकाश को बोला था मैं घर पे जा रहा हूँ। हाँ? बोला नहीं भाई रुक जा, तो मत जा घर पे। मेरा गाना कैसा था देखा था कि नहीं देखा? मस्त था। सुबह से सुन रही है, बावली हो गई मेरे गाने की। एक नंबर। इधर घूम के आ रहे हो। वन मैन देयर बता क्या बोलना है? पुष्पा पेट भर के पुष्पा। चलो हां चलो कैची आपका गाना था जो कोरियन गा रहा है, वो कहां से वो एलिमेंट्स आया? 15 दिन प्रैक्टिस किया हमने। हर 3 डेज ऑफ हार्ड वर्क प्रैक्टिस, ऑल ऑफ अस प्रैक्टिस किया। और ये हर किसी को नहीं आता है, ये टैलेंट सिर्फ हमारे सबके पास है। वोकल कॉर्ड्स तो ठीक रहे लेकिन वो गिटार के कॉर्ड्स सब इधर करो। हां तो मतलब आप जाके कोरियन भी हमारे आपका फोटो देखेंगे तो समझ आएगा। इसने ऑन द स्पॉट सीखा, ऑन द स्पॉट किया। इम्प्रॉम्प्टू ऐसा का टैलेंट। ये बताइए आपको हसीना मैडम का लुक कैसा लग रहा है? हसीना मैडम आप इनका बताइए। माय गॉड हमें किसी लड़की की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसको छोड़ दी। हमें एक दूसरे को छोड़ करके मैंने इतने को जरूरत है। ये लोग पागल हैं, लड़कों की बहुत जरूरत। दर्द ये निकला दर्द निकला, सिंगर होने का दर्द। तो करिश्मा सिंगल से सिंगल होगा इनके साथ? अभी तो इनके लिए भी लड़का ढूंढा जाता है ना हमेशा संतोष के लिए। हाँ तो लड़का तो यहाँ है, लड़की यहाँ है, अगर दोनों में हो जाए अगर बात तो फिर क्या बात। हम तो तैयारी है कपड़े वपड़े लेके मेहंदी नाचने के लिए। आइयो ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फातू प्लीज मेरी हेयर स्टाइल ऐसे कर दो। ऐसे? हाँ। और ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम नेचुरल कर। पर ये ऐसे टाइम पे थोड़ी होते हैं। हाँ लुक है कुछ देना होता है। नहीं एक्चुअली जब हम चाहते हैं ना कि ऐसे ऐसे रहे तब नहीं होते, तब होते ही नहीं है। नेक्स्ट पार्टी लुक में ऐसा लेंस रखना बहुत सही लगेगा। लेंस? ओ आज मैंने लेंस पहना है, क्या आप मेरी आँखें देख सकते हैं? देख सकते हैं पार्टी देख सकते हैं। असली टास्क तो अभी शुरू होता है, लेंस निकालना। आई वो फटाफट निकल जाए। क्या करूँ, पहले लैश निकाल देंगे पहले लेंस। निकल गया। लेफ्ट का बोल के राइट का लेंस निकाला है मैंने। जिनको नहीं आता उनके लिए टिप है कि लेंस को पहले हटाई दो वहाँ से और फिर ऐसे। मेरा कुंटू निकल ही नहीं रहा है। फंस तो नहीं गया ये? अरे कैसे निकालूं? फाइनली। तो अब फाइनली, वैसे ये मैंने भरा नहीं है, ये भरना है मुझे। और पूरे इतनी मेहनत के बाद हम वापस बैक टू यूनिफॉर्म आ गए हैं। And we are leaving now for another shoot. See you guys there. और अब वो वक्त आया है जब yes hi hello hi आप रेडी हो ना? Oh yes. बस माइक लगाना है. Super ready. Let's do it. 5 मिनट में चलते हैं. Okay. Thank you. अब वो वक्त आया जहाँ मैं अपना जो है टकला तू टकली नहीं है। हाँ? क्या है ये बिल्कुल, किसने बोला तुझे ये टकला टकला? कोई भी। अरे ये हेयर स्टाइल ऐसी है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम दूसरे सेट पे जा रहे हैं और मतलब ये सेट पे आके मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई हूँ। देखो बिल्कुल मैं अच्छी तो लग रही हूँ, देखो अभी सही लग रही हूँ। दूसरे सेट पे आके इतनी खुशी मिली कि मुझे यहाँ पे डोसा मिला और ये डोसा खत्म भी हो गया है। तो फिर तुम एक और डोसा लेकर आओगे। और फाइनली पैकअप हो गया है और 12:30 बज गया है। आज तो मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं घर भी ना जाऊँ, यहीं पे सो जाऊँ। एंड जो पूरा पॉप स्टार वाला था, कोरियन पॉप स्टार लुक किया था और जितना भी फन था मैंने कोशिश की कि मैं जितना शूट कर पाऊँ मैंने उतना किया। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक इट और नो, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।